गुड मॉर्निंग क्लास। सो आइए देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी बोलते हैं। देयर आर सम सॉल्ट्स विच कंटेन्स अ फ्यू वाटर मॉलिक्यूल्स एज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट है जो कि अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। देखिए, द वाटर मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो कुछ सॉल्ट्स हैं जिनके स्ट्रक्चर में, जिनके बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ सॉल्ट क्या करती हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर स्टोर करके रखती हैं। ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स उनके अंदर स्टोर हैं, इन्हीं को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों? क्रिस्टलाइजेशन का मतलब जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है बहुत सारे सॉल्ट्स अपने स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए, यानी खुद के क्रिस्टलाइजेशन के लिए वाटर का यूज करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स का, इसीलिए हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। डेफिनेशन आपने लिख लिया होगा। अब जो सॉल्ट ये काम करते हैं उनको क्या कहेंगे? उनको हम हाइड्रेटेड सॉल्ट कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट वाटर अपने अंदर रखेंगे, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल्स उनके अंदर है, इसलिए उनको हाइड्रेटेड कहेंगे। अगर नहीं होता तो एनहाइड्रस कहते हैं, यानी कि द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स वन फॉर्मूला यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने देखा था प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें हाफ H2O होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि दो कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल में एक वाटर का मॉलिक्यूल होता है। दूसरा एग्जाम्पल आप चाहें तो कॉपर सल्फेट का ले लें। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल कंटेंस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसका मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं तो उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देखने को मिलेगा। इट मीन्स दैट इन वन फॉर्मूला यूनिट एंड हैंस रिटेन एज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, यानी कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट में 5H2O मिलते हैं। इट इज कॉल्ड कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5, हाइड्रेट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। तो आप ये एग्जाम्पल ले लेंगे, आप पूरा मत लिखिए, बस आप ये लिख लीजिए कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, फिर उसके बाद कुछ नहीं, बस ये एग्जाम्पल हो गया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। फिर दूसरा लिख लीजिएगा आप सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स, हाँ Na2CO3 डॉट H2O 10H2O, जिसको हम डेका हाइड्रेट कहते हैं। ये क्या है? हमारा वॉशिंग सोडा। अगर मैं Na2CO3 रख दूँ तो क्या ये वॉशिंग सोडा है? नहीं, दिस इज सोडा एस। इसे हम सोडा एस कहेंगे क्योंकि ये एनहाइड्रस है, इसके अंदर वाटर के क्रिस्टल नहीं है। दिस इज नॉट वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। ऐसे ही आप थर्ड एग्जांपल लिखेंगे कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स, इसमें आप ये लिखेंगे जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, जिप्सम CaSO4.2H2O, इसका पूरा नाम होगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए आयरन सल्फेट क्रिस्टल्स कॉन्टेन 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि हम इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 7 को हम बोलते हैं हेप्टाहाइड्रेट। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स आपको एक बार फिर से लाइन वाइज करके दिया गया है, कोई ज़रूरत नहीं आपको वापस से लिखने की, बस आप एक बार दिया है तो फिर से पढ़ लीजिए ताकि आपके माइंड में रह जाए। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल दैट इज वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, कैल्शियम सल्फेट जिसको हम जिप्सम कहते हैं CaSO4.2H2O, एंड आयरन सल्फेट जिसको हम FeSO4.7H2O बोलते हैं दैट इज फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इट शुड बी नोटेड दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। आपको ये चीज़ समझना होगा कि एक्चुअली
वाटर ऑफ क्रिस्टल क्या होता है, जो सॉल्ट होती है उनके क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में अपना रोल प्ले करता है। अगर इनको आप वहाँ से हटा देंगे तो फिर वो क्रिस्टल फॉर्म में आपको सॉल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। सिंस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री वाटर, इट डज नॉट वेट द सॉल्ट। क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आप सिर्फ ये मत फोकस करिए कि ये वाटर, आप ये देखिए कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि वाटर किस फॉर्म में वहाँ मिलता होगा, क्रिस्टल फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में। अगर वाटर आपको क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, तो क्या वो चीज़ों को भिगोएगा कि नहीं भिगोएगा? नहीं भिगोएगा। इसीलिए जिस सॉल्ट में ये होते हैं उन सॉल्ट को अगर आप टच भी करें तो आपको टच करके पता नहीं चलेगा कि ये एनहाइड्रस है या हाइड्रेटेड है। क्यों? क्योंकि एनहाइड्रस होगा तो भी वो सॉलिड होगा, अगर हाइड्रेटेड होगा तो भी वो सॉलिड ही होगा। Thus, the salt containing water of crystallization appear to be perfectly dry. इसका मतलब जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स हैं जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, जैसे कि फेरस सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, फिर भी अगर आप उसको हाथ में लेकर टच करें तो आपको परफेक्ट ड्राई, एकदम सूखा ही आपको फील होगा। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन गिव द क्रिस्टल ऑफ द सॉल्ट्स देयर शेप एंड इन सम केसेस इम्पार्ट्स देम कलर। जो वाटर ऑफ क्रिस्टल है इसी की वजह से सॉल्ट को एक पर्टिकुलर शेप मिलता है। दूसरी चीज, कई बार ये उन सॉल्ट्स को कलर देने में भी हेल्प करता है। जैसे अगर आप कॉपर सल्फेट की बात करें तो किस कलर में होता है? ब्लू कलर में। एक्चुअली अगर आप एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ले ले, ठीक है, तो उसका कलर बिल्कुल अलग होता है, दैट इज टोटली डिफरेंट। देखिए एग्जाम्पल देखिए लिखा हुआ है, आप इसको नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, ये काम की चीज़ है आपके लिए, यहाँ से यहाँ तक। वैसे एक बार पहले भी हम लोग फेरस सल्फेट के साथ डिस्कशन कर चुके थे, हमने वहाँ देखा था कि फेरस सल्फेट एक्चुअली ग्रीन कलर का हमें दिखता है। वो क्यों ग्रीन कलर का दिखता है? क्योंकि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते थे। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इम्पार्ट्स देम अ ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। दस कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इज ब्लू इन कलर। सिमिलरली द प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन आयरन सल्फेट क्रिस्टल इम्पार्ट्स देम अ ग्रीन कलर। अब फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट की बात करें तो उसके अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो फेरस सल्फेट को ग्रीन कलर बनाते हैं। सो फेरस सल्फेट डॉट 7H2 इज ग्रीन इन कलर। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल यानी Na2CO3 डॉट 10H2O एंड कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स CaSO4.2H2O आर हाउ एवर वाइट। ये इनके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं फिर भी ये वाइट होते हैं, लेकिन वहीं कॉपर सल्फेट की अगर आप बात करें तो ब्लू दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर आप उसको हीट कर देंगे तो आपका ब्लू कलर गायब हो जाता है, यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट को बहुत ज़्यादा हीट कर दिए तो उसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या क्रिस्टल्स हैं वो क्या होते हैं? इवापोरेट हो जाएंगे। और क्योंकि अगर वो मूव हो गए यानी कि एनहाइड्रस बन गया आपका सॉल्ट, तो वो आपका कलर गायब हो जाता है। यही काम आपका फेरस सल्फेट में भी होता है। क्लियर है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एक्शन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। यानी कि अगर मैं हीट हाइड्रेटेड सॉल्ट्स को मैं हीट करूं तो क्या होगा? बहुत सिंपल से, जो ये सॉल्ट हाइड्रेटेड थे वो क्या बन जाएंगे? अब एनहाइड्रस बन जाएंगे। देखिए व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड, हेडिंग बना लेंगे आप, दिस विल बी योर हेडिंग, एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। फिर आप यहां से लेके कहां तक? हाँ, यहां तक कर लेंगे। देखिए व्हेन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स आर हीटेड स्ट्रांगली, बहुत ज्यादा हीट किए जाते हैं, देन दे लूज देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो उनके अंदर जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं वो क्या होते हैं? इवापोरेट होके गायब हो जाते हैं। बाय लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हाइड्रेटेड सॉल्ट्स लूज देयर रेगुलर शेप एंड कलर। और इसकी वजह से जो उस सॉल्ट की पर्टिकुलर शेप थी या कलर थी वो भी क्या होता है? गायब हो जाता है, एंड दे बिकम्स कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस, और वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहली बात, वो पाउडर क्यों बने? क्योंकि उनकी जो पहले की शेप थी वो सिर्फ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से थी। जैसे वो चले गए, इनका शेप खत्म,
तब किसी भी चीज़ को, कोई भी शेप हो, चाहे वो हेक्सागोन हो, पेंटागोन हो, अगर आप उसको तोड़ देंगे, उसको पाउडर बनाएंगे, तो क्या होता है? विदाउट शेप, यानी कि जिस भी चीज़ की शेप नहीं होती वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है? दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पाउडर फॉर्म। दूसरी चीज़, जो कलरफुल थे हाइड्रेटेड सॉल्ट, वो भी क्या होते हैं? कलरलेस कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट ब्लू से कलरलेस हो जाता है, उसी तरह आयरन सल्फेट ग्रीन से कलरलेस हो जाता है। द सॉल्ट्स विच हैव लॉस्ट देयर वाटर क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको अच्छे से पता है जो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होती है, अगर उनके अंदर के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम रिमूव कर दें तो उन्हें हम क्या कहेंगे? फिर एनहाइड्रस सॉल्ट कहेंगे। दस द एनहाइड्रस सॉल्ट हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस सॉल्ट इट बिकम्स हाइड्रेटेड वंस अगेन। आप मान लीजिए एक सॉल्ट लिए हाइड्रेटेड, जैसे कि आयरन सल्फेट, आपने उसको बहुत ज़्यादा हीट किया, वो एनहाइड्रस बन गया। अगर आप उस सॉल्ट में फिर से पानी मिला दें, हाँ, तो फिर से हाइड्रेटेड सॉल्ट बन जाते हैं। देन दे अगेन गेट्स इट कलर, दे रीगेन्स इट्स कलर, उसके बाद वो अपना कलर फिर से पा जाते हैं। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर व्हेन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स आर हीटेड स्ट्रांगली, दे लूज ऑल द वाटर क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट विच इज वाइट। आप कॉपर सल्फेट लीजिए जो कि ब्लू कलर में है, अब उसको खूब हीट करिए, बहुत ज़्यादा हीट करिए, जब बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फिर से वाइट कलर में बदल जाएगा। अब क्या करें? फिर से उसको पानी मिला दीजिए, जैसा पानी मिलाएंगे फिर से वो ब्लू कलर ही आ जाएगा। दस ऑन हीटिंग ब्लू कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न्स वाइट ड्यू टू द लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंड, द डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल इज रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि एक आपको फिजिकल चेंज शो करता है, जैसे ही आप वापस से पानी मिलाएंगे ये फिर से ब्लू कलर हो जाएगा। सो व्हेन वाटर इज एडेड टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इट गेट्स हाइड्रेटेड एंड टर्न्स ब्लू ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट अगेन। जैसे आप फिर से एनहाइड्रस सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में अगर आप पानी मिला दिए तो फिर से हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाता है, यानी कि वो फिर से ब्लू कलर शो करने लगेगा। तो आप इस रिएक्शन को यहाँ से लेके यहाँ तक आप जरूर से नोट करेंगे। कुछ है नहीं, वो याद तो वैसे ही हो ही गया होगा आपको, बट फिर भी कॉपी में रहेगा तो आप रिवीजन कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए क्या दिया। दस इसका मतलब एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ट्रांस ब्लू ऑन एडिंग वाटर, जैसे आप पानी ऐड करेंगे वो फिर से क्या बनेगा? ब्लू कलर का। दिस प्रॉपर्टी ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ लिक्विड। इस प्रॉपर्टी का यूज हम किसी भी सब्सटेंस में मॉइस्चर है या नहीं ये चेक करने के लिए करते हैं। वो कैसे? अब मान लीजिए मेरे पास कोई एक सब्सटेंस है, ये ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये इसके अंदर मॉइस्चर है या नहीं, राइट। तो मैंने क्या किया, मान लीजिए कॉपर सल्फेट था मेरे पास, तो मैंने उसको पहले बहुत ज़्यादा हीट करके उसको क्या बना दिया? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, यानी कि वो किस कलर में बन गया होगा? यस, वेरी गुड, वाइट कलर में। अब हम क्या करेंगे, इसी सॉल्ट को इसमें ले आके मिक्स कर देंगे। अब एक बात आपको अच्छे से पता है, अगर इसके अंदर मॉइस्चर होगी, यानी कि कुछ ना कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट वापस से उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन जाएगा, यानी कि हाँ CuSO4.5H2 फिर से, और वो भी किस कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू कलर में। यानी कि आप देखेंगे अगर आपका वाइट कलर का एनहाइड्रस सॉल्ट इसमें मिक्स होने के बाद ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब इसके अंदर मॉइस्चर है, अगर नहीं होता तो इसका मतलब इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये मॉइस्चर चेक करने के लिए भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अब सेम चीज़ आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है, ये एक्सपेरिमेंट आपका होमवर्क होगा, आप घर पर खुद से पढ़ लेंगे, उसको लिखना नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना होगा। देखिए हम सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे देते हैं क्योंकि लाइट कट गई है, एक बार फिर से सब कुछ बंद हो जाएगा, राइट। हम ओवरव्यू दे देते हैं आपको। द चेंजेस इन कलर विच टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टू फॉर्म व्हाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड रीगेनिंग ब्लू कलर ऑन एडिंग वाटर विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर। आपके पास ये
कॉपर सल्फेट है जो कि हाइड्रेटेड सॉल्ट का सॉल्यूशन है। देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ विजुअल नहीं है तो आपके बुक में ये विजुअल होगा, ये दिस इज इन ब्लू कलर, राइट। फिर जब हमने इसको बहुत ज़्यादा ओवर हीट कर दिया तो ये देखिए किस कलर में चेंज हो गया है, दिस वन इज अगेन कन्वर्टेड इन टू वाइट कलर। अब मैंने क्या किया, इस वाइट कलर में वापस से ऊपर से पानी ला के मिला दिया, यानी कि अब मैंने इसको ठंडा करके पानी मिला दिया, ये फिर से किस कलर में कन्वर्ट हो गया, ब्लू कलर में। इसका मतलब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, ये एनहाइड्रस है, और एनहाइड्रस में जैसे मैंने पानी मिलाया फिर से ये हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से लाइट भी चली गई, और इस तरह से आपका चैप्टर यहीं पे ये ख़त्म होता है। हम कुछ दिनों में आराम से एक्सरसाइजेस पूरे फिनिश करेंगे, फिर उसके बाद हम नया थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।